प्रशासन द्वारा गरीबों को दिया जाने वाला गेहूं और चावल ट्रकों से नीचे कैसे आया? क्या हो रही है कालाबाजारी? इन दिनों गेहूं चावल की कालाबाजारी का कारोबार चरम पर है। गरीबों के लिए सोसाइटियों में पहुंचने वाले गेहूं पर कालाबाजारी करने वाले माफियाओं का कब्जा है। इतनी तगड़ी सेटिंग जमा कर रखी है कि वेयर हाउस से चावल और गेहूं सोसाइटियों के लिए भरकर जब परिवहन होता है तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के आंखें मूंद कर बैठे हैं और सब देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मादलदा में देखने को मिला, जहां 12 से 1 बजे एक ट्रक आता है और बीच रास्ते में बनी झोपड़ी के समीप चावल की कटियां अवैध तरीके से हमाल उतारते हैं। और जैसे ही गांव के युवा जैस कार्यकर्ता कलसिंह भूरिया, तूफान ढिंडोर, राहुल भूरिया, मनोहर बारिया आदि युवा ट्रक से बोरियां उतारते हुए पकड़ लेते हैं, वैसे ही ट्रक ड्राइवर कटियां वहीं छोड़कर भाग जाता है और तेज गति से चलते हुए पतले रास्ते से निकलने की जल्दी में एक छोटे नाले में जाकर ट्रक फंस गया और ड्राइवर ट्रक वहीं छोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, मगर आज गेहूं चावल की कटियां ग्रामीणों द्वारा पकड़ ली जाती हैं। आखिर गरीबों का राशन इस तरह से बेचकर क्यों खा रहे हैं, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कागजों में राशन पूरा दर्शा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा। सेल्समैन से सोसाइटी के संचालक इस अवैध काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं, नहीं तो हम मालों की इतनी हिम्मत नहीं कि शासकीय राशन आसानी से ठिकाने लगा दें। कोई ना कोई तो इस मामले में बड़ा व्यक्ति जिम्मेदार है, तभी जाकर पूरा खेल खेला जा रहा है और गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है। गाड़ी लेके बाकी है।